अगर आप भी किसी की मदद करने के वजह से उन्हें अपने वाहन पर बिठाकर लिफ्ट देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मदद करने का ख्याल आपको कहीं लूट ना ले। दरअसल मामला करनाल का है, जहां उत्तर प्रदेश के रहने वाले शकील से 1,15,000 रुपए की लूट हो जाती है। करनाल के नगला रोडान के पास आकर उस व्यक्ति से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। एक शकील था नाम का, जो यूपी का रहने वाला था, पशु वगैरह खरीदने जा रहा था समाल का, जो अम्बाला के पास है, उससे इस्माइलाबाद सॉरी उसके पास से कुछ पैसे छीने हैं। जो ये बता रहा है इसके अनुसार कि रोडान से कोई लड़का इनके साथ बैठाया इसने अपने आप ही खुद ही, और बाद में आके बताता है कि यहाँ आकर के मेरे साथ वारदात की है। लेकिन सरकमस्टांस ये नहीं बोल रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे 1,15,000 रुपये लिए, इसकी जेब में और पैसे भी थे, वो बिल्कुल सुरक्षित है, मोटरसाइकिल सुरक्षित है, मोबाइल सुरक्षित। ये 2-2:30 बजे की बात है, उसके बाद में वापस ये अपने परिवार के पास फ़ोन करके चला जाता है और 4-4:30 बजे फिर पुलिस को कॉल करते हैं। तो ये जांच का विषय है, जैसी जांच होगी आगे जैसा आएगा। तो गन पॉइंट पे किया है, लेकिन जब वो खुद ही बैठा के उस लड़के को लेके आ रहे हैं साथ में, तो ये भी जांच का विषय है कि कौन था, कैसे बैठा के लेके आया था, ऐसे अनजान आदमी को कौन बैठाता है और क्यों बैठाया और कहाँ से बैठाया, ये जाँच करेंगे। बिल्कुल जाँच करेंगे CCTV फुटेज और फिर उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। पुल पर एक आदमी, एक शकील था नाम का, जो यूपी का रहने वाला था, पशु वगैरह खरीदने।